ऋषभ पंत की सलामती के लिए, उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए देश भर से दुआएं की जा रही है, लेकिन देहरादून में उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल में, आईसीयू में वो भर्ती हैं। देहरादून में ही हम मौजूद हैं और यहाँ पर भी लगातार लोग दुआएं कर रहे हैं कि बहुत जल्द वो स्वस्थ हो जाएं। लेकिन बताया ये गया कि जब गाड़ी उनके डिवाइडर से रुड़की में टकराई है, उसके बाद दूर तक के वो टकराती चली गई रेलिंग से, और इसके बाद गाड़ी में भयानक आग लगी है। कई जगह उन्हें चोट लगी है, उनके घुटने में चोट लगी है, पैर में चोट है, पीठ और सर में भी चोट है। फिलहाल वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन बीसीसीआई ने भी आधिकारिक तौर पर जो स्टेटमेंट दिया है उसमें भी यही बात कही है कि एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, फिलहाल ऋषभ पंत खतरे से बाहर हैं, लेकिन कई जगह गंभीर चोटें ऋषभ पंत को आई हैं। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। माथे पर कट, पीठ में चोट, पैर में चोट, कलाई में चोट, देहरादून के अस्पताल में भर्ती ऋषभ पंत उस हादसे से उबर कर निकले हैं जो बहुत ही खतरनाक था। सीसीटीवी वीडियो में हादसे का जो वीडियो आया वो खौफनाक था। उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई और एक्सीडेंट के फौरन बाद ही ऋषभ पंत की कार में आग लग गई। चश्मदीदों की माने तो ऋषभ पंत खुद गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर निकले। इस दौरान उनके चेहरे से खून बह रहा था, शरीर के कई हिस्से में उन्हें चोट लगी थी, उन्हें मदद की दरकार थी। बाद में उन्हें घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इस हादसे के बाद बीसीसीआई की तरफ से जो स्टेटमेंट आया उसके मुताबिक ऋषभ पंत के शरीर में कई जगह चोट लगी है। बीसीसीआई के सचिव जय शाह के मुताबिक ऋषभ पंत के माथे पर दो कट लगे हैं, उनकी कलाई पर भी काफी चोट है। ऋषभ पंत के दाहिनी घुटने का लिगामेंट फट गया और उनके टखने में भी चोट लगी है। ऋषभ पंत के पैर और पीठ पर भी गंभीर चोट लगी है। ऋषभ पंत अपनी मां को सरप्राइज देने के लिए घर जा रहे थे। रुड़की में घर से कुछ दूर पहले ही वो हादसे के शिकार हो गए। हादसे के चश्मदीद के मुताबिक घटना करीब सुबह 5 बजे के बाद हुई। सुबह 5 बजे की घटना है। अच्छा, क्या पता चला आपको? फिर आपने पहले आवाज आई जोर से, फिर उसके बाद जैसे मैं बाहर निकला तो गाड़ी में आग लगी हुई थी। अच्छा, तब तक मैं वहाँ पे पहुँचा गाड़ी के पास। एक गाड़ी और रोडवेज थी हरियाणा की, वो भी रुकी थी। दो बंदे बाइक वाले थे, फिर काफी हो गए थे, तब उन्होंने निकाल दिया गाड़ी से साथ तोड़ के उनको। इतने बड़े हादसे के बाद भी ऋषभ पंत ने होश नहीं खोया था। घायल ऋषभ पंत ने कार से बाहर निकलने की कोशिश की और मदद करने वालों को अपने बारे में बताया भी। हमने उनसे पूछा आप कौन है, कहाँ से आए, तब उन्होंने बताया कि मैं ऋषभ पंत हूँ, मतलब क्रिकेटर। अच्छा। तब हमने फिर इंतजार नहीं किया, तुरंत हम सिविल हॉस्पिटल गए, वहाँ से एम्बुलेंस, उन्होंने कहा ठीक है, एम्बुलेंस आई और मुश्किल से मैं तो उनके पास 25-30 सेकंड रुकाऊंगा। अच्छा। तुरंत उनको एम्बुलेंस में बैठाया और उनको रुड़की के लिए। ऋषभ की हालत स्थिर बनी हुई है, देहरादून के मैक्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। और तमाम वो चश्मदीद बता रहे हैं कि किस तरह से हादसा हुआ है। लेकिन देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर, फिलहाल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं ऋषभ पंत। लेकिन अब हम अपने दर्शकों को जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उससे पता चलेगा कितना गंभीर, कितना भयानक यह हादसा हुआ था। लेकिन हादसे की जानकारी मिलने के बाद में उनकी मां भी अस्पताल पहुंची है ऋषभ पंत से मिलने के लिए, उनका हाल जानने के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने खुद उनकी मां से फोन पर बातचीत की है, उन्हें आश्वस्त किया है कि उत्तराखंड सरकार की ओर से पूरी मदद उन्हें की जा रही है, किसी भी तरह की उनके उपचार में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 3 तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, मां चिंतित होकर अस्पताल पहुंची है ऋषभ पंत का हाल जानने के लिए। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से ऋषभ पंत गाड़ी के बाहर इंजर्ड हालत में बाहर आए हुए थे, और एक ऐसी गाड़ी जिसमें सुरक्षा के तमाम इंतजाम, उसके बावजूद एक बड़ा सड़क हादसा हुआ और उस टक्कर के बाद कैसे ऋषभ पंत की गाड़ी धू-धू कर जल उठी, ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। यानी इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयानक था। तो इस हादसे के बाद बीसीसीआई की तरफ से जो ऋषभ पंत की चोट को लेकर स्टेटमेंट आया है उसके मुताबिक ऋषभ पंत के शरीर में कई जगहों पर चोटें आई,
बीसीसीआई के सचिव जय शाह के मुताबिक जानकारी आप तक पहुंचा दें कि किस तरह से ऋषभ पंत के शरीर में ये चोट यहां पर सामने आई है। सबसे पहले आपको बताते हैं माथे पर दो जगह कट लगे हैं इस हादसे के बाद और दाहिनी कलाई पर भी ऋषभ पंत को चोट लगी है और इसी के अलावा दाहिने घुटने का लिगामेंट भी फट गया है और टखने की अगर बात करें तो टखने में भी यहाँ चोट आई है और साथ साथ पीठ पर उनको गंभीर चोटें आई हैं जिसका इलाज लगातार चल रहा है और पैर के अंगूठे में भी चोट उनको लगी है। बीसीसीआई की ओर से आधिकारिक तौर पर यह बताया गया है कि ऋषभ पंत को आखिर कहां कहां चोट लगी है। तो देखिए माथे पर दो जगह कटा है, आपने देखा होगा पहली तस्वीर जो सामने आई थी किस तरीके से उनका माथे से खून बह रहा था। दाहिनी कलाई पर उनको चोट लगी है, दाहिने घुटने का लिगमेंट फटा है और इसी के साथ में टखने में चोट आई है, पैर के अंगूठे में चोट लग जाती है, पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं। तो ये बीसीसीआई की ओर से बयान जारी किया गया है कि ये यहां चोटें आई हैं और अभी कई रिपोर्ट्स हैं जिनका इंतजार हो रहा है।